हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक ईडी वर्ल्ड। दोस्तों, आज मंडे है और मंडे के दिन हम पब्लिश करते हैं एमएस एक्सेल के वीडियोस। दोस्तों, आज का एक्सेल में इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेटा कनेक्शंस का उपयोग करना। डेटा कनेक्शंस बेसिकली होता क्या दोस्तों? इसके ज़रिए हम एक्सेल में जो फाइल्स होंगी उनका डेटा आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। मैं डायग्राम के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास ये एक एक्सेल की फाइल है, इसमें जो डाटा है वो मैंने कनेक्शंस के जरिए किसी दूसरी फाइल से लिया हुआ है। ये दोनों फाइल्स जो हैं इनका डाटा मैंने कनेक्शंस के जरिए इस फाइल में लिया हुआ है। अब होगा क्या, अगर मैं इन फाइल्स के अंदर डाटा जो लिखा हुआ है अगर मैं उसमें कोई चेंज करता हूँ तो यहाँ जो डाटा आया है इन फाइल में से वहाँ ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। दोस्तों, कितनी भी फाइल हो सकती हैं, हम कितने भी कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूज़ का है। प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ आपको किस तरह से इस ऑप्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों, मेरे पास एक फाइल है स्क्रीन पे, बुक वन। ओपन करके देखते हैं, इसमें डाटा है वो कुछ इस तरह का डाटा है। तो अब एक काम करते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ और एक नई फाइल ले लेते हैं एक्सेल की। अब यहाँ मैं जो डाटा लेके आऊँगा वो मैं लेके आऊँगा जो अभी मैंने फाइल आपको दिखाई, बुक वन, कनेक्शंस बना के। कनेक्शन से हम फाइल्स में जो डाटा है उसको आपस में लिंक कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। डाटा पे जाइए, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे नो कनेक्शन फाउंड, नीचे आपको ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने वो फाइल सिलेक्ट करनी है, कौन सी फाइल का डाटा यहाँ पे लिंक करना है, लाना है। तो डेस्कटॉप पे एक फाइल है बुक वन, बुक वन पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे तो बुक वन जो फाइल थी उसके अंदर जो सीट होंगी वो सीट आपको यहाँ दिखाई देंगी, जिस नेम से होंगी, जितनी होंगी। तो वहाँ पे तीन सीट थी बुक वन फाइल के अंदर, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, और जो डाटा था वो सीट वन पे है। सीट वन पे क्लिक करके ओके कर लेंगे। अब ये कहेगा आपको डाटा टेबल में लाना है, पिवट टेबल में लाना है, पिवट चार्ट में लाना है। इसी सीट पे लाना है या नई सीट पे लाना है? तो मैं इसी सीट पे ले आता हूँ, इसी सीट पे यहाँ पे ले आता हूँ और टेबल में ही ले आते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बुक वन जो फाइल थी उसके अंदर जो डाटा था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अगर मैं बुक वन के अंदर जाके कोई चेंज करता हूँ, बुक वन जो फाइल थी ना अगर मैं उसके अंदर जाके कोई चेंज करता हूँ तो वो चेंज ऑटोमेटिक यहाँ होता रहेगा। कैसे होगा, एक बार इसको सेव कर लेते हैं, सेव, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसका नेम क्या दे दें, इसका नेम दे देते हैं न्यू फाइल, न्यू फाइल। सेव कर दिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये जो न्यू फाइल है इसके अंदर डाटा कहाँ से आ रहा है? इसके अंदर डाटा आ रहा है आपका बुक वन से। मैंने बुक वन को ओपन किया और इसमें मैंने कुछ एंट्रीज और कर दी या कोई चेंज कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंट्री का जो कॉलम है इसको आधा डिलीट कर दिया, एंट्रीज हटा दी। यहाँ कुछ एंट्रीज मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये लिख दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, मैंने चेंज तो यहाँ किया है ना, इसको मैं ओपन करता हूँ न्यू फाइल को। ओपन करने के बाद यहाँ अभी कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है डेटा में और यहाँ एक ऑप्शन है रिफ्रेश का। आपको अगर यहाँ पे चेंजेस लाना है, जो भी बुक वन फाइल के अंदर चेंज किया गया है अगर वो अपडेट यहाँ पे आपको लानी है तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रिफ्रेश ऑल किया तो वो देखिए नई एंट्रीज यहाँ पे आ गई और मैंने कंट्री का जो कॉलम था नीचे से सारी एंट्रीज हटा दी थी, वो यहाँ से डिलीट हो गई। तो आसानी से हमने फाइल्स में कनेक्शंस क्रिएट कर दिया। अब यहाँ जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है बुक वन से। अगर बुक वन के अंदर कोई भी चेंज किया जाएगा तो वो यहाँ पे आपको साथ के साथ दिख जाएगा, बस आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। दोस्तों, हम कितने भी कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और काम की चीज़ मैं बता दूँ आपको, अभी बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करके आप कनेक्शन की जो मतलब रिफ्रेश है उसको ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग दी फाइल, कि जब भी इस फाइल को आप ओपन करोगे तो डेटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन और दे रखा है रिफ्रेश एवरी,
कितने मिनट में, हर कितने मिनट में, मान लीजिए हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में आप रिफ्रेश कराना चाहते हो, तो यहाँ पे उतने मिनट्स का टाइम दीजिए, ओके कर दीजिए, तो उतने टाइम बाद ऑटोमेटिक आपकी फाइल रिफ्रेश होती रहेगी। जो भी ओरिजिनल फाइल में चेंज होता रहेगा वो अपने आप यहाँ आता रहेगा आपका। तो ऐसे हम कनेक्शंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। चलो एक और कनेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ। सीट 2 पे हम गए और यहाँ पे मैं किसी दूसरी फाइल का डाटा लेके आता हूँ। कहाँ से लाता हूँ? एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे फिर से क्लिक करेंगे। एक कनेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी है, ये देखो यहाँ पे कनेक्शन एक दिखा रहा है और यहाँ पे नो कनेक्शन फाउंड। कितने भी कनेक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक करेंगे, नया कनेक्शन बनाना है। और मैं जो फाइल यहाँ पे लेके आने वाला हूँ वो है डेस्कटॉप पे, एक फोल्डर है सेल्स फोल्डर, सेल्स रिकॉर्ड, उसके अंदर मेरी एक दो फाइल पड़ी हुई है एक्सेल की। इस फोल्डर के अंदर सेल्स 2015 ये एक फाइल है, इसको ले आता हूँ। क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर है। उसके अंदर भी 3 ही सीट हैं, कौन सी सीट का डाटा यहाँ लाना है, तो सीट 1 पे क्लिक कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर। टेबल में लाना है मेरे को डाटा, और कहाँ लाना है, न्यू सीट पे लाना है, इसी पे, इसी पे ले आते हैं। कहाँ लाना है, यहीं पे ले आते हैं जहाँ पे क्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर देंगे। तो ये देखिए वो डाटा जो उस सीट के अंदर था आपका सेल्स 2015, उसके अंदर जो डाटा था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। अब एक काम करते हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ, फाइल पे जाके सेव, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं सेल्स रिकॉर्ड एक फोल्डर था, इसके अंदर फाइल थी सेल्स 2015, इसको ओपन किया। मान लीजिए ये डाटा वहाँ पे गया आपका, ये डाटा वहाँ पे गया है दोस्तों, फॉर्मेटिंग नहीं जाती है, केवल डाटा जाता है। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से टोटल के बाद ये सारा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर दिया, हटा दिया सारा, चेंज कर दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव। उसके बाद मैं ओपन करता हूँ न्यू फाइल, क्योंकि हमने जो लिंक लगाया है, कनेक्शंस बनाए हैं, वो न्यू फाइल के अंदर हैं। न्यू फाइल के अंदर दो फाइलों से कनेक्शन में कनेक्टेड है। डाटा कहाँ से आ रहा है, एक तो बुक 1 से आ रहा है, एक इस फोल्डर में फाइल है वहाँ से जा रहा है इसमें। तो इसको ओपन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो आपका डाटा है अभी यहाँ पे कोई रिफ्रेश नहीं हुआ है, यहाँ तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं है बुक 1 के अंदर, हमने किया है सेल्स 2015 वाली फाइल के अंदर। रिफ्रेश करना है तो फाइल पे, डाटा पे जाइए, रिफ्रेश ऑल क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ से डाटा सारा रिमूव हो गया। तो दोस्तों बहुत आसान है फाइल्स में कनेक्शंस क्रिएट करना, फाइल्स में डाटा को लिंक करना, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आता है। हमारे पास एक दो फाइल है, हमारे पास 2 फाइल्स हैं, 3 फाइल्स हैं, उनमें अलग अलग डाटा है, हम चाहते हैं उन फाइल्स का डाटा इकट्ठा करके एक फाइल में ले आएँ, तो हम कनेक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज होगा तो जो कनेक्शन फाइल है जिसमें हमने कनेक्शन डाटा इकट्ठा किया हुआ है, तो वहाँ हमें चेंज दिख जाएगा, बस रिफ्रेश करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर कोई भी समस्या होती है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम लेके आते रहते हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे एक लाइक बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।